नमस्कार, माँ बाराही धाम देवदुरा से आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो इस बार जो माँ बाराही का जो मुख्य मंदिर है उसको इस तरह से कुछ फूलों से सजाया गया है। और जैसा कि मेला पूरे 2 साल बाद हो रहा है, मतलब कोरोना की वजह से मेला नहीं हुआ था, सांकेतिक रूप में खाली भगवान हुई थी, तो इस बार मेले की रौनक देखते ही बन रही है अभी से। और वैसे जो मुख्य माँ बाराही का जो मंदिर है, जो गुफा है, जो मतलब उसका रास्ता यहाँ से पीछे को जाता है। और इस बार मंदिर की सुंदरता बढ़ा रही हैं एक समान आकार की घंटियाँ, जिनको कि आज तक यहाँ पर जितने भी घंटियाँ चढ़ाई गई थी उन सबको गलाकर उन सभी को एक समान भार का आकार देकर इस तरह से यहाँ पर सजाया गया है, जिससे कि यहाँ की सुंदरता में 4 चांद लग गए हैं। अब यह मंदिर भारतमाला परियोजना और जो मानसखंड परियोजना है, जिसमें कि जो हमारे कुमाऊं के जितने भी बड़े मुख्य मंदिर हैं उनको सम्मिलित कर लिया गया उसमें, तो ये भी उस मंदिर में अब सम्मिलित है। ये है वो मंदिर जहाँ पर कि माँ बाराही की ताम्र पेटिका, जिसमें कि माँ बाराही की मूर्ति रहती है, वो विराजमान रहती है। और यहाँ से ये सामने है वो फील्ड, वो मैदान जिसे खोलीखान दुबा चौड़ कहा जाता है, जहाँ पर बगवाल खेली जाती है। अभी यहाँ पर कबड्डी के मैच की तैयारी हो रही है और अब यहाँ पर बहुत जगह भी बन गई है, जैसे दर्शकों को देखने के लिए इधर बन गया है और इधर सामने बन गया है। ये यहाँ के मंदिर के भ्रमण का नक्शा जैसा है कि सबसे पहले ये जो सामने आपको दिख रहा है जो सजाया हुआ मंदिर, ये है श्री गणेश मंदिर और माँ दिगंबरा मंदिर। उसके बाद जो कलवा बेतार मंदिर है जहाँ पर की बल इत्यादि होती है, वो यहाँ से नीचे को है। और बीच में माँ काली का भैरव मंदिर और पीछे फिर आए गुफाएँ, जो पवित्र गुफाएँ हैं माँ की, जहाँ की आदि शक्ति रूप की पूजा होती है। और फिर पीछे है भीमशिला, जो कि पांडव काल से संबंधित जिसको माना जाता है। इस प्रांगण में जब बगवाल खेली जाती है तो उसमें 4 खामों के लोग प्रतिभाग करते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो भी खाम के मुखिया आते हैं अपने अपने घरों से इकट्ठा होकर सब एक साथ, फिर लास्ट में पहले यहाँ मंदिर की परिक्रमा करते हैं यहाँ से जाते हुए, और फिर ऊपर से परिक्रमा करते हुए आते हैं। और उसके बाद पहले अपने अपने, जैसे यहाँ पर एक खाम है लमगढ़िया खाम, तो छाने बहुत दिख रहा है, तो यहाँ पर वो अपना इकट्ठा होते हैं। इस स्थान का संबंध पांडव काल से भी जोड़ा जाता है। माना जाता है कि जब पांडव अपने अज्ञातवास में थे तो इस स्थान पर भी आए थे, मतलब वो यहाँ पर कुछ समय रुके भी थे, जिसके बारे में एक कथा बताई जाती है। जिस शिला पे अभी मैं खड़ा हूँ इसको कहा जाता है भीमशिला। तो ये जो शिला है भीमशिला, ये इस तरह से पूरी एक दरार के माध्यम से 2 भागों में विभाजित है। तो इस दरार के बारे में जो कहानी बताई जाती है वो ये कही जाती है कि एक बार भीम और माँ बाराही जो थी उनके बीच में किसी बात को लेकर आपस में लड़ाई हो गई, और भीम जब माँ बाराही के पीछे क्रोध में भागे तो माँ बाराही शिला के पीछे जाके छिप गई। तो भीम ने क्या किया कि एक सरकंडा, जैसे यहाँ पर बहुत सारे एक पत्ती पत्ती लकड़ी मतलब किसी झाड़ी की, उससे इसमें मारा और उससे इस तरह से पत्थर बीचों बीच टूट गया। तो ये इसके पीछे कहानी बताई जाती है। और साथ ही ये जहाँ पर जो है कि ये आपको निशान दिख रहे हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि भीम के उंगलियों के निशान। लेकिन इसका एक संबंध जोड़ा जाता है पाषाण काल से, जैसे कि आप यहाँ पर एक कप मार्क्स देख रहे होंगे ओखली के निशान जैसे, ऐसे कप मार्क्स या ओखली के निशान जो पूरा पाषाण काल सभ्यता थी हमारी इंसानों की, उससे संबंधित माने जाते हैं। यहाँ से पीछे को है मंदिर की जो गुफा, यानी कि जिसे गर्भगृह या गभौरी कहा जाता है स्थानीय भाषा में, तो ये वहाँ को जाने का रास्ता है। मंदिर के अंदर गुफा का प्रवेश द्वार बहुत संकरा है, इस तरह से कुछ गुफा है। तो यहाँ पर आजकल जैसे कि बहुत जगह से सांस्कृतिक टीमें इत्यादि प्रतिभाग करने देवी माँ के मंदिर में प्रस्तुत दिन आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर मंच तैयार है। दिन में यहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए थे, जो बहुउद्देशीय कैंप लगाया गया था। और उधर को है मंदिर, तो आपको भी मंदिर की भी शोभा दिखाते हैं शाम की। अभी लाइटों में बहुत सुंदर लग रहा है मंदिर।